अब वक्त है कुछ ऐसी माहिरा शख्सियात का जिन्हें हम यहाँ फैसिलिटेट करना चाहते हैं, जिन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। वो शख्सियत जो हमारे मुल्क का नाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं, उर्दू अदब के नाम के भी और अलग अलग फ़न में हिंदुस्तान की तर्जुमानी करते हैं। दूसरे शहरों में जाकर जब हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, लोग वहाँ के लोग जो हमारी भाषाएं नहीं समझते वो उनके ऊपर तालियां बजाते हैं, तो यकीन मानिए फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है और दिल करता है कि हम भी उनकी तरह कुछ ऐसा करें कि हम भी अपने मुल्क, अपने वतन अज़ीज़ की खिदमत कर पाएँ। सिकंदराबाद की सरजमीन से एक सितारा बुलंद हुआ, फिल्मी दुनिया में चमका, और जिसने एक प्यार का नगमा गाया और मौजों की रवानी में तरंगे आ गए, जिसके कलाम से जिसका कलाम जब गूंजा तो पूरब और पश्चिम में क्रांति आई और मेघारे मेघारे के जरिए उन्होंने अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया, और फिर प्रेम रोगियों के लिए उन्होंने बताया कि मोहब्बत है क्या चीज। वो लिखा, मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जनाब संतोष आनंद साहब के इस्तकबाल करें। संतोष आनंद साहब बीमारी के बावजूद यहां पर तशरीफ लाए, उर्दू अदब के लिए अजीम शख्सियत। सबको आदाब बजा रहा हूँ। दुबई बहुत पहले आया था, ऐसी तालियां मैंने जीती थी, अब बीच में कुछ टूटा हूँ, लेकिन आज यहाँ मुझे ये लाइफ टाइम अवार्ड जो आपने बख्शा है, मुझे एक नहीं आज दो मिले। आज मैं अनाथ बाप महसूस नहीं कर रहा। आज फरहान भाई ने अपने हाथों से मेरी शेविंग की। मैं वाकई कह रहा हूँ, मैं आके यहाँ पर कितना गदगद हूँ, कितना धन्य हूँ और कितना अपने आप को क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, आप ही दीजिए। मैं आपका प्यार लेके, आपका अपनापन लेके अपनापन आपको दे रहा हूँ। वाह, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ये जो ट्रॉफी है संतोष आनंद साहब को शायर की हैसियत दी गई है, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी दिया जाएगा। और जी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बेटे ने आज अपने बाप की शेव की। मेरे वालिद 2000 में उनका इंतकाल हो गया था, तो मुझे लगा कि आज मैं शायद थोड़ा से अपने बाप के कद के बराबर हो गया। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और जिस मोहब्बत से आप मुझे दुआएं दे रहे थे, अल्लाह उन दुआओं को कबूल अता फरमा ले, तो इस जहां में और उस जहां में दोनों में मेरी जो है इंशाल्लाह ताला कबूलियत हो जाएगी। बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ में इस्तकबाल करें। मैं सच बात कह रहा हूँ, मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। और दुबई से तो मैं यहाँ आता हूँ जब भी, हालांकि अब मैं 4-5 साल बाद आया हूँ, इस बीच में मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई, लेकिन मैं जब भी यहाँ आया हूँ इतना प्यार आपने दिया है,
मेरे पास उसके लिए कोई झोली नहीं, मैं जिसको मैं संभाल सकूं, मेरा दिल है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसलिए कि हिंदी जगत का वो बेताज बादशाह गीतों का, जिसको संतोष आनंद कहते हैं, जो अपनी बीमारी की वजह से अब बहुत कम कभी सम्मेलनों में जा पाते हैं, फिर अभी पिछले दिनों जो इनके साथ ज़ाती ज़िंदगी ने मजाक किया है, इनका जवान बेटा इनसे रुखसत हो गया और एक हादसे का शिकार होकर अकेला बेटा, उसके बाद भी ये सारे गम को अपने सीने पर उठाए हुए जिस तरह से अदब, साहित्य और शेर की सेवा में लगे हुए हैं, ये इन्हीं का कलेजा है। मेरे ख्याल में दूसरा आदमी इतना बड़ा प्रबंधन, जिस आदमी ने फिल्मी दुनिया को अमोल गीत दिए हैं, अमर गीत दिए हैं, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, इसी तरह के बेशुमार गीत, बल्कि कहीं कहीं पर ऐसा हुआ कि फिल्म फेल हो गई मगर इनकी गीतों की वजह से फिल्म का नाम जिंदा रहा, ये है संतोष आनंद। आज इनकी सारी अदबी और साहित्यिक सेवाओं के लिए जिस तरीके से फरहानिया और इनकी पूरी कमेटी ने नाम इनका मुंतखब किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए, मैं समझता हूँ कि इनसे बढ़कर आज के वक्त में कोई इस अवार्ड का मुस्तहक नहीं था। इस महफिल में इनकी आमद से चार चांद लगे हैं, इज्जत बढ़िए, आप सब मिलकर इनका स्वागत कीजिए और उनकी हिम्मत की बात कीजिए। आपका आने का संतोष आनंद जी, मैं बचपन से गाना हमेशा गुनगुनाता था, आप आए, आपने चार चांद लगाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके आने का, आपने ये इनवाइट कबूल किया। मैं आया आपकी चाशनी भरी बातों से, और सच बात कह रहा हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, हमेशा आपके दिलों में रहूँगा। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ मेरी गुजारिश है कि और अजीम शख्स से जो हमारे यूएई के हैं, ख़ास तौर से दुबई में हम लोगों की सबकी सरपरस्ती करते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर इंडियन लोग ख़ास तौर से जो भी काम करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जनाब वासु सराफ साहब का। मेरी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, जनाब वासु साहब तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इनके लिए ज़ोरदार तालियां वो बताइएगा कि हम दिल से इनका सम्मान करते हैं, दिल से इनका इस्तकबाल करते हैं। हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी इंडियन हाई स्कूल में, दुबई में, या इंडियन फंक्शन या हमारी काउंसलेट में जो भी कुछ होता है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होता है जनाब वासु सराफ साहब का। इनकी सरपरस्ती, इनकी नुमाइंदगी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया वासु साहब, आपको शुक्रिया।